इस वीडियो में बात करेंगे स्टेट की आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट के बारे में, जिसमें कॉलेजेस आते हैं बीएमएस के, बीएचएमएस के, बीयूएमएस के, बीएसएमएस के। स्टेट काउंसलिंग में जो स्टेट्स होते हैं कॉलेज की, वो होती है 85%। जो 15% होती है वो होती है ऑल इंडिया कोटा के अंदर। अब मैं जो आपको स्टेट वाइज काउंसलिंग की वेबसाइट्स बताने वाला हूँ, उसके अंदर आपको एक लिंक मिलेगा जिसका नाम होगा आयुष काउंसलिंग 2020, जो कि अभी तक नहीं आया वेबसाइट्स पे। तो जब भी आपको वेबसाइट पे कोई भी ऐसा लिंक आएगा, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा और आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। वहीं पर ही आपकी रजिस्ट्रेशन होनी है, काउंसलिंग सब आपको वहीं पर ही चलने वाला है। और आगे जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, काउंसलिंग कैसे करनी है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मोपअप राउंड कब होगा, स्ट्रे वैकेंसी राउंड कब होगा, इन सब का अपडेट मैं आपको अपने चैनल पे देता रहूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दें, ताकि आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट को मिस ना कर सकें। तो शुरू करते हैं हर स्टेट की काउंसलिंग की वेबसाइट से, और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहां पे आप सारे स्टेट की कॉलेजेस के लिए वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं तेलंगाना की वेबसाइट से। तो तेलंगाना की वेबसाइट है, वो है www.knruhs.telangana.gov.in। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्टेट की तरफ, जिसका नाम है कर्नाटका। कर्नाटका की काउंसलिंग की स्टेट काउंसलिंग आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट है, वो है www.kea.kar.nic.in, यानी कि kea.kar.nic.in। ठीक है, अब चलते हैं केरला की तरफ। तो केरला की वेबसाइट है www.ceekerala.org। ठीक है, अब चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तो तमिलनाडु की वेबसाइट है www.tnmrmu.ac.in। ठीक है, अब चलते हैं गोवा की वेबसाइट की तरफ। तो गोवा की जो आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट है, वो है www.dte.goagoa.gov.in। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश की काउंसलिंग की वेबसाइट की तरफ। तो इसकी वेबसाइट है www.ntruhs.ap.nic.in। ठीक है, अब बात करते हैं ओडिशा की वेबसाइट के बारे में। तो इसकी है ogee.nic.in। ठीक है, अब बात करते हैं महाराष्ट्र की काउंसलिंग के बारे में, जो स्टेट काउंसलिंग की वेबसाइट है इसके बारे में, तो वो है mahacet.org, mahacet.org। ठीक है, अब चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड की वेबसाइट है uau.ac.in। अब चलते हैं एमपी की तरफ, यानी कि मध्य प्रदेश की तरफ। तो इसकी जो स्टेट काउंसलिंग की वेबसाइट है, वो है www.ayush.mponline.gov.in। ठीक है, अब चलते हैं अगली वेबसाइट की तरफ, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एचपी। तो इसकी वेबसाइट है admissions.hpushimla.in। अब मैं कहीं कहीं वेबसाइट के आगे www नहीं लगा रहा हूं, आप खुद से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगली वेबसाइट है राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान के लिए www.rajugpgayushcounseling.in। मैं एक बार अच्छे से स्पेल कर देता हूं, RAJ, ठीक है, UGPGAYUSH, आयुष काउंसलिंग डॉट इन। ठीक है, अब चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार की जो आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट है, वो है www.bcecebord.bihar.gov.in। ठीक है, अब बात करते हैं झारखंड के लिए। तो झारखंड की जो आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट है, वो है jcece, इसमें भी cece दो बार है, bjcecb.jharkhand.gov.in। ठीक है, अब चलते हैं हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ में एक ही कॉलेज है, वो हरियाणा के अंडर आता है, हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी है उसी के अंडर आता है, जो श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी है। तो उसकी वेबसाइट है skau.in। ठीक है, अब चलते हैं दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली की वेबसाइट है fmsc, इसके आगे www. लगा लेना, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर मैं नहीं लगा रहा हूं तो आपने खुद से लगा लेना www. ठीक है, तो www.fm
cc.ac.in। ठीक है, अब चलते हैं यूपी की तरफ, यानी कि उत्तर प्रदेश की तरफ। तो इसकी जो वेबसाइट है वो है dida.ayushupineet.com। मैं स्पेल कर देता हूं, dida.ayushupineet.com। अब बात करते हैं पंजाब की वेबसाइट के बारे में। तो इसकी वेबसाइट है graupunjabpunjab.org, graupunjab.org। ठीक है, अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। तो जम्मू कश्मीर की है jkbopee.gov.in। ठीक है, अब चलते हैं गुजरात की तरफ। तो गुजरात की जो वेबसाइट है वो है medadmgujarat.org। ठीक है, medadmgujarat.org। ठीक है, अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की वेबसाइट है वो है cghealth.nicnic.in। ठीक है, अब चलते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। तो वेस्ट बंगाल की वेबसाइट है wbhealth, वेस्ट बंगाल हेल्थ। तो आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है wbhealth.gov.in। ठीक है, अब चलते हैं पौंडीचेरी की तरफ। ठीक है, पौंडीचेरी की जो वेबसाइट है वो है senta पुडुचेरी, क्योंकि जो पौंडीचेरी का पहले नाम था वो था पुडुचेरी, तो उसी नाम से है pudu chery.in। तो असम की वेबसाइट है वो है dme.assam.gov.in। ठीक है, अगर मैंने किसी भी वेबसाइट के आगे www ना लगाया तो आप खुद से लगा के सर्च कर लेना। तो मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां आप किसी भी स्टेट के कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका नाम है aacc.gov.in। यहां पे आप किसी भी कॉलेज में किसी भी स्टेट के आप 15% कोटा में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको स्टेट आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट्स बता दी हैं, अब वहां से खुद भी चेक कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको चैनल पर अपडेट देता रहूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।